हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम छो। मैं अपेक्षा, अभी मैं आई हूँ जिम में। सो ये इंडियन हाउसवाइफ आज आई हैं जिम में। क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। घर पे जाके शांति से मुझे लगा व्लॉग की शुरुआत कर देनी चाहिए। ये व्लॉग बहुत छोटा सा प्यारा सा है, बट बहुत मज़ेदार है। आई होप कि आप लोग भी पसंद करोगे। मेरी इवनिंग रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वीडियो में। सो बने रहिएगा वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग कैसे व्लॉग देखना पसंद करते हो, आप लोग कैसे कंटेंट देखना चाहते हो, वो भी ज़रूर बताएगा। मैं आई थी अपनी सोसाइटी के ही ग्रुप के साथ, सोसाइटी के जो मेरे फ्रेंड्स है ना, उन लोगों के साथ ही मैं आई थी। ये मेरे घर के पास में ही नया जिम ओपन हुआ है। सो मैं अपनी सोसाइटी के ग्रुप के मेंबर लोगों के साथ सब साथ में हम लोग आए थे। तो चलिए घर पे चलते हैं और घर पे जाके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। चलो जाओ आज बोलने की मूड में हूँ नहीं मैं, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। वात लग गई, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। डेनिस मेरी मजाक उड़ा रहा है, उनको पता है क्या हुआ है। क्या हुआ बताऊँ आप लोगों? आज मैं बना रही थी पंजाबी पकौड़े कड़ी, और क्या हुआ, एक बार दही फट गया। ऐसा नहीं कि मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत अच्छी बनती है मेरे से, बट पता नहीं इस बार क्या हुआ, दही खराब था या फिर रियली डोंट नो, दही फट गया। फिर डेनिस को मैंने फिर से, दही भी ख़त्म हो गया था, घर पे दही भी नहीं था, उतना ही था। तो फिर डेनिस को मैंने फिर से मार्केट में दही लेने के लिए भेजा, और वो दही लेके आए। फिर हमने अगेन पंजाबी पकौड़े कड़ी बनाई। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने पकौड़े नहीं डाले थे, पकौड़े मेरे अच्छे थे, वरना पकौड़े भी मेरे ख़राब हो जाते। हाँ, तो फिर से हम लोगों ने, मैंने यानी कि पंजाबी पकौड़े दही बनाई, और थक गई हूँ यार। बस फटाफट ही अपना डिनर फिनिश करते हैं, और मैं आज जल्दी सो जाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, फिर सुबह बहुत दिक्कत होती है। और आप लोगों ने देखा ना, मैं गई थी जिम में, तो वहाँ से ही मैंने व्लॉग की शुरुआत की। आज मैं व्लॉगिंग नहीं करने वाली थी, आज मैंने छुट्टी ली थी कि आज नहीं करते व्लॉगिंग, बट मुझे लगा एक मतलब नया कंटेंट मिल गया, सो फिर सोचा कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ तो शेयर करना चाहिए। तो मैं गई थी जिम में, अपनी सोसाइटी के ग्रुप है ना, टेंट्स लोगों के साथ गई थी, उन लोगों को ज्वाइन करना है। मेरे घर के पास में ही ये ओपन हुआ जिम, तो उन लोगों को ज्वाइन करना है, इसलिए मैं भी गई थी। मैं भी एक्सप्लोर करने के लिए ही गई थी, चलिए नहीं जाना है तो क्या हुआ, एक बार होके तो आते हैं, पर देख के तो आते हैं कैसा है, बट अच्छा था। चलिए फटाफट डिनर करते हैं, बहुत बक बक कर ली। और ये रहे डेनिस, डेनिस का भी आज मूड इतना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब डिनर बहुत लेट हो गया है ना, डेनिस को बहुत भूख लगी थी, और मैंने आज बहुत वेट भी करवाया इसलिए। कैसा, कैसी कैसी बनी पकौड़े कड़ी फाइनल बोलो, अच्छी है बुरी है, ओके ओके है, कैसी है? अच्छी बनी है, लेकिन बहुत वेट करवाया। चलिए डिनर करते हैं, और फिर आई डोंट नो क्या प्लान है, सो जाऊंगी। बर्तन बर्तन घिस लिए हैं, किचन पूरा प्लेटफॉर्म पूरा चक्का चक कर दिया, डिनर भी हो गया हमारा, हम लोग देख सकते हैं। बर्तन मैंने अभी यहाँ पे रखे हैं। सो चलिए अब थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। दूध मुझे गर्म करना था, तो मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। अभी मोबाइल चलाती हूँ थोड़ी देर, अपना यूट्यूब देखते हैं, और छोटा मोटा काम भी है वो फिनिश करते हैं, एडिटिंग का है। मेरे ऐसे चंपू चंपू क्यों हो गए,
चले फिर मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह मॉर्निंग में। गाइज मैं फिर से आ गई, सॉरी गाइज मैंने लाइट ऑफ की है ना हॉल की, सो इसलिए आप लोगों को कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये रहे डेनिस, डेनिस को देखो मस्त ब्लैंकेट लेके उड़ के मूवी देख रहे हैं। काम करती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ और मैं खा रही हूँ स्ट्रॉबेरी। एक मिनट अरे दो मिनट रुक जाओ बाबू। ओके अब दिख रहा है आप लोगों को, ये रहे डेनिस। देखो डेनिस की कल छुट्टी है ना, कल ऑफिस नहीं है, घर पे ही है। सो कल मैं पूरा दिन व्लॉग करूँगी। और हाँ ये सुबह नहीं हुई है, मॉर्निंग नहीं हुई है। मैंने आप लोगों को अभी किचन में बताया ना कि मॉर्निंग में मिलती हूँ आप लोगों को, तो इतनी जल्दी मॉर्निंग नहीं हुई है। मॉर्निंग से पहले ही मैं आप लोगों को मिल गई। और मैं और डेनिस खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कल ही मैं लेकर आई थी। अभी विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिलनी स्टार्ट हो गई, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। चले मुझे अभी थोड़ी एडिटिंग का काम है, वो फिनिश कर लेती हूँ।